वीडियो में हम करेंगे कि हम अपने यूकेलेले का ट्यूनिंग कैसे करें। अगर आप अपना नया यूकेलेले लेके आए हो पर आपको कोई आइडिया नहीं ट्यूनिंग का, तो आप ये वीडियो देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आराम से ट्यूनिंग कर पाओगे। एंड मैंने यूकेलेले के बेसिक्स के ऊपर भी एक लेसन बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है यूकेलेले के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, प्राइस क्या क्या है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन के टॉप राइट हैंड साइड में यहाँ पे कार्ड फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो पे जा सकते हो, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लेना। तो ये लेसन आप पूरा देखो, आपका सारा डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा, आप आराम से इसको खुद से ट्यूनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको जरूर लाइक करना एंड शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको इतना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने यूकेलेले का ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं अब। ठीक है, आई होप सबके पास अभी स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉयड नेट iOS कोई भी। तो आप क्या करना, पहले प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे प्ले स्टोर से यूकेलेले ट्यूनर यहाँ पे टाइप करना, एंड ये जो थर्ड वाला है पॉकेट यूकेलेले ट्यूनर, उसको आप एक बार डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, एंड इंस्टॉल करने के बाद मैंने पहले से किया हुआ है, इसका इंटरफेस एक बार देख लेते हैं, आपको काफ़ी इजीली आप इसे ट्यून कर पाओगे। ठीक है, ये रहा आपका इंटरफेस, इसमें चार स्ट्रिंग दिया गया है यूकेलेले का। तो आप लोग क्या करना, पहले यहाँ पे जो ए लिखा है उसको पहले एक बार टैप करना, तो उससे उससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है जो कि ए में ट्यून होता है उसको आप ट्यून कर पाओगे। ठीक है, उसको ट्यून करने के बाद आप क्या करना, सेकंड जो लिखा है यहाँ पे आपका ई पे टैप कर देना, उसको सिलेक्ट कर लेना ई को, एंड सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे सी लिखा है उसको टैप कर लेना, आप उसे थर्ड स्ट्रिंग ट्यून कर सकते हो जो कि है आपका सी नोट पे। ठीक है, एंड फाइनली आप कर सकते हो यहाँ पे जी वाला, उसको टैप करके सिलेक्ट कर लेना एंड जी को ट्यून कर सकते हो फोर्थ स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा ये एप्लीकेशन कैसे आप यूज करके अपना यूकेलेले को आराम से ट्यून कर सकते हो। ठीक है, पर सबसे पहले बात सुन लेते हैं कि आपका यूकेलेले ट्यून में कैसे सुनाई देता है एंड अनट्यून करने के बाद कैसे सुनाई देता है। अगर आपका यूकेलेले ट्यून में है तो वो कुछ ऐसा सुनाई देगा। ठीक है, जो कि सुरीला सुनाई देता है। तो एक बार देखते हैं अनट्यून होने के बाद ये कैसे सुनाई देता है। तो अभी मैंने यूकेलेले का ट्यूनिंग खराब कर दिया है, अनट्यून कर दिया है इसको, अब एक बार सुनते हैं कैसे सुनाई देता है अभी। काफी बेसुरा सुनाई दे रहा है, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसको वो एप्लीकेशन यूज करके ट्यून करने के लिए। मैं भी आपको डिटेल में समझा दूंगा, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका स्ट्रिंग्स बहुत लूज है आप टेंशन मत लेना, उसको आराम से टाइट करते रहना, क्योंकि ट्यूनर है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से उसको ट्यून कर पाओगे। आप ये मत सोचना कि ज्यादा टाइट हो गया तो टूट तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप ट्यूनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कैसे इसको ट्यून करना है। तो आइए अब इसका ट्यूनिंग करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग लिखा हुआ है A4 उसको टैप करके सिलेक्ट कर देना। एंड और एक बात का आप ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेन है उसका आपको ध्यान रखना है। आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रहेगा अराउंड 440 हर्ट्ज़। ठीक है, इसको प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को, ये भी कम दिखा रहा है, 330 अराउंड दिखा रहा है, इसको टाइट करेंगे। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाना फर्स्ट नट को, ये फर्स्ट स्ट्रिंग टाइट होगा। ठीक है, इसको प्ले करके पिक करके इसको टाइट करना। आप इसको आराम से घुमा सकते हो, इसको टूटने का टेंशन मत लेना, क्योंकि जब तक आपका 440 नहीं आता आपका ट्यून नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो ट्यून हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग, काफी इजी है। मेन आप ध्यान रखना आपका जो हर्ज लिखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं सेकंड स्ट्रिंग को कैसे ट्यून कर सकते हैं। तो अभी सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए वो सेकंड स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लेना जहां पे लिखा हुआ है आपका E4, एंड सेकंड स्ट्रिंग का आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा अराउंड 330 हर्ट्ज़। ठीक है, इसको प्ले करेंगे, टाइट करेंगे जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग को किए थे, तो आराम से टाइट करना इसको। तो ये आपका सेकंड स्ट्रिंग भी ट्यून हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग आपको कैसा करना है। तो चलिए अभी थर्ड स्ट्रिंग का देख रहे थे, अभी थर्ड स्ट्रिंग के लिए हमने C4 को सिलेक्ट कर लिया है, एंड इसको प्ले करेंगे, एंड थर्ड स्ट्रिंग का आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा अराउंड 260 हर्ट्ज़। ठीक है, इसको प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग को, टाइट करेंगे इसको, आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रिंग भी आपका ट्यून हो चुका है, अब देखते हैं फोर्थ स्ट्रिंग कैसे करना है।
तो अभी हमने फोर्थ स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे लिखा है आपका G4, एंड अभी फोर्थ स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी रहेगा अराउंड 390 हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम प्ले कर रहे हैं फोर्थ स्ट्रिंग को, अभी टाइट करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग पे आपका ट्यून में आ गया है। तो अभी हमने अपना यूकुलेले का ट्यूनिंग कर लिया है, एंड ट्यूनिंग के बाद ये काफी आपको अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, आप ये ट्यूनिंग का प्रोसीजर 3-4 बार रिपीट करना, क्योंकि आपका स्ट्रिंग्स नया है, आपको वो बार बार ट्यून करना पड़ता है स्टार्टिंग में। ठीक है, 3-4 बार रिपीट करना, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है ट्यूनिंग, आप उसको 3-4 बार रिपीट करो, वो परफेक्टली ट्यून में आ जाएगा। तो ये ऐप का भी मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दे रहा है, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ट्यून करने के लिए, क्योंकि आपको बस नंबर पे ध्यान रखना है, आप बस टाइट करते रहो, आप ये मत सोचना कि ज़्यादा टाइट हो गया टूट जाएगा, नहीं, क्योंकि जब तक आपका फ्रीक्वेंसी परफेक्टली मैच नहीं होता जो नंबर्स मैंने आपको बताया हुआ है, आप तब तक इसको टाइट करते रहना। तो यही था आज का लेसन, आई होप ये आपको हेल्प करे, अगर आपको हेल्प करे जल्दी इसको लाइक करना एंड शेयर करना। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।